अस्सलामु अलैकुम सैयद वॉइस के प्यारे नाज़रीन, खुश आमदीद। ये कहानी भी आप सबके लिए एक बेहतरीन पैगाम लेकर आई है, इसलिए सच्ची कहानी को आप सुनिए और शेयर भी कीजिए और बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर किया करें हमारी तमाम वीडियोस को और सब्सक्राइब कर दें सैयद वॉइस को। मेरे वाले साहब ने एक मॉडर्न लड़की से शादी कर ली जो उनके साथ ऑफिस में काम करती थी। उसका नाम सबीना था। अब्बू ने सबीना की खूबसूरती की वजह से शादी की थी। मैंने उसी खातून के बदन से जन्म लिया जो मजहब से क्रिश्चियन थी। न जाने वालदा की शख्सियत में क्या कमी थी कि वह शोहर के मयार पर पूरी न उतर सकी। अभी मैं 2 बरस की थी कि दोनों में शदीद लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया जिसके नतीजे में तलाक हो गई। तलाक के बाद अम्मी मैके चली गई। अब्बू ने मुझे अपने पास रख लिया और परवरिश के लिए चाची के हवाले कर दिया। कुछ अरसे के बाद उन्होंने मुलाजमत को खैरबाद किया और अपने हिस्से की जायदाद बेच कर बाहर मुल्क चले गए। सुना है कि वहां उन्होंने किसी गोरी मेहम से शादी कर ली थी कि पलट कर कभी मेरी खबर न ली। मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार न देखा, उनकी सूरतों से आशना भी नहीं थी, जानती ही नहीं थी वो कैसे होते हैं। चाचा के घर परवरिश हुई, उनके बच्चे तेज तरार थे लेकिन मैं बचपन से खामोश खामोश बुझी बुझी से रहती, पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। नतीजा ये निकला कि 5वीं में फेल हो गई तो चाची ने स्कूल से उठा लिया। सारे बहन भाई स्कूल जाते, मैं घर पर होती तो लामोहाला घर का काम करना पड़ता। अब एहसास होता कि तालीम हासिल न करने से कितना नुकसान होता है। एक दिन अपनी पुरानी किताबें गोद में रखे रो रही थी कि चाचा ने देख लिया, पूछा किस लिए रो रही हूँ। मैंने कहा पढ़ना चाहती हूँ, स्कूल नहीं जा सकती इसलिए रो रही हूँ। उनको मुझ पर तरस आ गया। तहां बीवी से डरते थे, खुल्लम खुल्ला हिमायत न कर सकते थे। दिलासा दिया कि दुख न करो, मैं तुम्हारी खातिर कुछ न कुछ करूंगा। हमारी गली में फहद नाम का एक लड़का रहता, उसकी माँ बेवा थी और ये गरीब लोग थे। लड़का बीए पास था और आदत और अतवार से नेक था। एक रोज फहद की माँ चाचा जान के पास आई और कहा भाई सगीर, मेरी माली हालत बहुत खराब है, नौबत फाकों तक आ गई है। बड़ी मुश्किल से जबर बेच कर फहद को तालीम दिलवाई है, अब इसकी मुलाजमत का मसला है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो 2 वक्त की रोटी का आसरा हो जाएगा, आप इस सिलसिले में मदद कीजिए। चाचा सरकारी मामूली मुलाजिम थे, किताबों की दुकान थी, वो शाम को दुकान खोलते। उनको कोई ईमानदार मुलाजिम दरकार था ताकि सुबह को भी दुकान खोली जा सके। कहने लगे हलीमा बीबी, अगर तुम्हारा लड़का बेरोजगार है तो मैं इसे अपनी स्टेशनरी की शॉप पर मुलाजिम रख लेता हूँ, ईमानदारी से काम करेगा, माकूल तनख्वाह दूंगा, फहद से पूछ लो। इससे पूछने की क्या जरूरत है, आप बस आज से उसे मुलाजिम रख लें, जो भी तनख्वाह देंगे मंजूर है। घर में हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं तो जाहिर सी बात है मोल तोल किस बात का। यूं अगले दिन से फहद चाचा जान की दुकान पर मुलाजिम हो गया। वो वाकई मेहनती और ईमानदार लड़का था, सुबह सवेरे दुकान खोल कर बैठ जाता, रफ्ता रफ्ता दुकान चल पड़ी और अल्लाह ने बरकत डाल दी, ग्राहकों का रश रहने लगा। ये शायद फहद का नसीब था कि छोटी सी दुकान से चाचा जान के दिन फिर गए। इंसान अच्छी नीयत से काम करे, मेहनती और ईमानदार हो तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत का समर यानी फल दे देता है। फहद की कदरों कीमत और वक्त यानी हैसियत, उसकी अहमियत चाचा की नजरों में बढ़ गई, उसको बेटा बना लिया, तनख्वाह में इजाफा कर दिया और ख्याल रखने लगे। अब फहद कभी कभी घर भी आ जाता, चाची उसके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आती, कुछ खास पकता तो बच्चों के हाथ फहद को दुकान पर जरूर भिजवा देती, नजर नियाज करती, खास तौर पर उसे खाने पर घर बुलाती। एक दिन वो किसी काम से घर आया तो मुझे रोते पाया, चाची ने किसी बात पर डांट दिया था। फहद ने पूछा क्यों रो रही हो, मैंने चाची की डांट कर नहीं बताया और कहा कि पढ़ने का शौक है और कोई पढ़ता ही नहीं इसलिए रो रही हूँ मैं। उसे बहुत दुख हुआ। शाम को चाचा दुकान पर गए तो फहद ने कहा अंकल एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे। कहो क्या बात है। मैं आज आपके घर राशन पहुँचाने गया, आपकी भतीजी को रोते पाया, दुख हुआ, रोने का सबब दरियाफ्त किया तो राहिमा ने बताया कि वो पढ़ना चाहती है, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं उसे एक आध घंटा पढ़ा दिया करूँ। मेरी उम्र उस वक्त 12-13 बरस थी। चाचा सोच में पड़ गए, फिर बोले देखो फहद, तुम भी यतीम हो और वो भी यतीम है, तुम दोनों के मसाइल एक जैसे हैं। उसे पढ़ाना तो चाहता हूँ लेकिन डरता भी हूँ। बेटा शरीफ लड़के हो, हमको तुम पर भरोसा है, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरी इज्जत पर कोई हरफ ना आए यानी कोई उंगली ना उठाए। अंकल आप बेफिक्र रहें, आप मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे वालिद की जगह हैं,
आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। फहद रोज शाम को 1 घंटा पढ़ाने लगा। उसकी नीयत तो खालिसतन मुझको पढ़ाने की थी, मगर मैं पढ़ने से ज्यादा उसमें दिलचस्पी लेने लगी। कहते हैं यतीम ही यतीम के दर्द को समझ सकता है, मैं भी यतीम ही थी एक तरह से, जबकि 10 बरस से बाप की कुछ खबर न थी कि जीते जी वो तो मर गए, चाची मुझे यतीम कहती थी। फहद के दिल में तभी मेरे लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया और मैं सोचती थी आकाश मेरी शादी इसी लड़के से हो जाए तो चाची की किलकिल से निजात मिल जाएगी, हर वक्त डांटती रहती है। पहले मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, फहद पढ़ाने को आने लगा, वो हर रोज नमाज पढ़ने की तलकीन किया करता। फहद से इस कदर मुतासिर थी कि वो जो कहता उसी के कहने पर मैं वो काम करती। मैंने नमाज की तरफ रुग्बत जाहिर करना शुरू कर दी, नमाज से सुकून मिला, तबीयत की बेचैनी और इस्तराबियत कम हो गई। अब मैं हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करती कि फहद ही को मेरी जिंदगी का साथी बना दे। जिंदगी में बहुत कम खुशी देखी और जो आरजू की कभी पूरी ना हुई। चाची अपने बच्चों को नए कपड़े बनाकर देती तो उनकी उतरन मुझे पहना देती। घर में फ्रूट आता वो जितनी मर्जी होती बिला झिझक उठाकर खा जाते और मैं इंतजार करती कि कब चाची को ख्याल आएगा और वो मुझे अपने हाथ से एक सेब या एक केला उठाकर देंगी। इस तरह मुझमें खाने पीने की प्यास बढ़ने लगी। फहद ने 1 साल पढ़ाया और 8वीं का इम्तिहान देने के मैं काबिल हो गई। प्राइवेट तालबा के तौर पर पर्चे दिए और बोर्ड के इम्तिहान में कामयाब हो गई। चाचा बहुत खुश थे मेरे मिडिल पास होने पर, मिठाई लाए, मगर चाची अब किसी और फिक्र में मुब्तिला थी। एक रोज शोहर से कहा, देखते नहीं हो रायमा अब जवान हो गई है, एक गैर लड़के का घर आकर उसको पढ़ाना ठीक नहीं है, मोहल्ले वाले किसी दिन एतराज करेंगे तो उनको क्या जवाब दोगे? अगर ऐसा ही शौक है भतीजी को फहद से पढ़वाने का तो उसका निकाह फहद से करवा दो ताकि वो उसको अपने घर जाकर पढ़ाए। बीवी की बात चाचा के दिल को लगी, सोचा कि कहती तो ठीक है, रहमा के लिए रिश्ता अच्छा रहेगा, अमीर नहीं है तो क्या हुआ, लड़का तो नेक है, मेरे पास रहेगा और कहीं जाएगा भी नहीं, दुकान चलती रहेगी, दूसरा इससे बेहतर मुलाजिम नहीं मिल सकता। अगले दिन उन्होंने हलीमा खाला को बुलाकर अपनी गुजारिश पेश की। खाला भी बेटे का घर बसाना चाहती थी मगर गुर्बत के बायस कहीं रिश्ता मांगने की जरूरत न होती थी। सगीर चाचा उनके बेटे के साथ अच्छा बर्ताव करते और तनख्वाह भी माकूल देते, वक्त पर रकम मिल जाती, बस उन्होंने फौरन ये रिश्ता कबूल कर लिया। जब मुझे मालूम हुआ तो खुशी से फूले न समाई। फहद के दिल में भी पसंदीदगी के जज्बात थे, उसने मगर कभी किसी पर जाहिर न होने दिया कि वो मुझको हमेशा के लिए अपनाने की ख्वाहिश रखता है। ये बात उसने शादी के बाद मुझे बताई थी। कुदरत की तरफ से मेरे हक में अच्छा हो गया। खाला हलीमा भी नेक और शफीक खातून थी, उनकी कोई बेटी नहीं थी, मुझे बेटी बना लिया, ब्याह कर उनके घर आ गई, मेरा नसीब खुल गया। मुद्दतों से ममता के प्यार को तरसी हुई रूह ने खाला के रूप में माँ का प्यार पा लिया। सास नहीं थी, खाला थी, माँ थी मेरी। चाचा अब फहद का और ज्यादा ख्याल रखने लगे, हफ्ते में 1 बार खुद आकर घर ले जाते, मेरे हमरा फहद की दावत करते ताकि वो मुझको खुश रखे। गर्स जन्नत में आ गई थी, जन्नत में। बेशक ये मेरी जिंदगी की पहली खुशी थी, चाची के दबाव से निकली तो पता चला जिंदगी में अपनी मर्जी से जीना और सुख का सांस लेना क्या होता है। जब तक सास जिंदा रही सुकून रहा, वो मुझको काम न करने देती, खुद घर का इंतजाम संभाला, मगर उनकी जिंदगी के दिन थोड़े थे। मेरी शादी के 5 साल बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब घर में फहद और मैं रह गए, घर का इंतजाम मुझे संभालना पड़ गया। अल्लाह ताला ने 2 बच्चे भी दिए, उनकी परवरिश अकेली को करनी थी, छोटे बच्चे तंग करते जिससे मैं चिड़चिड़ी रहने लगी। फहद तो सुबह दुकान पर जाते, रात को लौटते, दिन भर बच्चों के जो मसले मसाइल होते मैं उनसे निमटने पर मजबूर थी, तभी कमजोर हो गई। एक रोज मेरे बेटे को पलंग से गिरने पर चोट लग गई, सर से खून बहने लगा। घबराकर फहद को फोन किया, उसने कहा तुम खुद उसे लेकर डॉक्टर के पास चली जाओ, चाचा मौजूद नहीं है, मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, नाचार दोनों बच्चों को साथ लिया, घर को ताला लगाया, डॉक्टर के पास गई। शाम का वक्त था, वापसी में रश बहुत था, रिक्शा ना मिला, टैक्सी रोकी और घर आने को थी कि बेहोश हो गई। टैक्सी वाले को घर का पता बता चुकी थी, उसने मुझे और बच्चों को अपनी गाड़ी में सवार करा दिया था। वो टैक्सी को मेरे घर तक लाया, उतने में फहद भी दुकान से घर की तरफ रवाना हो चुके थे। जो ही वो अपने दरवाजे तक पहुंचे टैक्सी भी वहां पहुंच गई। ड्राइवर ने उन्हीं से पूछा, यहाँ ताला लगा हुआ है, क्या ये मकान 213 है? दूसरे लम्हे दोनों गले मिल गए। मामला ये था कि टैक्सी का ड्राइवर फहद का पुराना दोस्त था,
और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। करीम के सहारे मुझे घर लाए, बच्चों को भी उठाकर लाए। अब्दुल करीम का शुक्रिया अदा किया, कहने लगे, सर शुक्र कि तुम्हारी टैक्सी में राह में बैठ गई। किसी और की टैक्सी में बैठती तो खुदा जाने कहां वो इसे कहां ले जाता। जब मैं होश में आई ड्राइवर को घर में बैठा देखा, हैरान रह गई। तब फाहत ने बताया कि ये मेरा पुराना क्लास फेलो है, हालात की वजह से 8वीं के बाद तालीम का सिलसिला जारी न रख सका और टैक्सी चलाकर रोजी कमाता है। बातों बातों में करीम ने बताया कि उसका कुंबा उन दिनों गांव में रिहायश पजीर है और वो शहर में टैक्सी चलाने की वजह से रहने पर मजबूर है। किस जगह घर लिया हुआ है? घर कहाँ ले सकता हूँ यार, मैं तो किराए का मकान भी नहीं ले सकता। जो रकम कमाता हूँ वालदैन को गाँव भिजवा देता हूँ ताकि वो मकान तामीर करा ले। हमारा आबाई घर कच्चा था, अब उसको पक्का करवा रहे हैं। मैं सराय में यानी एक ऐसे होटल में रात गुजारता हूँ जहाँ पर रोजाना पैसे देता हूँ। यार तो फिर यहाँ मेरे घर आकर रह जाओ, तुम्हारी भाभी राहिमा तुमको घर का खाना बनाकर देगी। बाजार का खा खा कर सेहत बर्बाद कर ली है तुमने। वो थोड़ा घबराया, झिझका, फिर उसके बाद उसने पेशकश कबूल कर ली। हमारा घर 3 मरले का था जिसमें 2 कमरे बने हुए थे और आगे छोटा सा सहन था। छत पर एक कमरा और गुसल खाना भी था। ऊपर की सीढ़ियां सहन से जाती थी। करीम सुबह रोजी कमाने चला जाता और शाम को 7 बजे लौट आता। मैं उसका खाना बनाकर ऊपर कमरे में रखाती जहां हमने उसे रिहाइश दी हुई थी। शुरू दिनों में तो कलाम न करती बल्कि कोशिश करती कि पर्दा करूं। तो भी एक दिन फाहत ने कहा, राहिमा ये मेरे भाइयों की तरह है, करीम से पर्दा करने की जरूरत नहीं। फाहत रात को 10 बजे दुकान बंद करके लौटता, वो बहुत थका हुआ होता, खाना खाते ही सो जाता। छुट्टी के दिन करीम उसे कहता, यार आज तो बच्चों को सैर करा दो, गाड़ी अपनी है, बच्चों का भी हक है, इनके लिए कभी तफरी जरूरी होती है। मामूल हो गया कि इतवार को करीम बच्चों को सैर कराने ले जाता। वहां सैर पर जो अखराजात होते अपनी जेब से भरता। फहद मना करते कि वो ना मानता। तुम भी तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो, घर में अकेले बैठकर क्या करोगी। एक रोज सैर को निकलते हुए फहद ने मुझे जबरदस्ती साथ ले लिया। हिजाब एक बार का होता है, फिर तो करीम से हिजाब जाता रहा। जब भी सैर को दिल करता या बाजार वगैरह जाना होता, मैं और बच्चे उसकी गाड़ी में चले जाते। फहद खुद दुकान को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। मेरे बच्चे करीम से बहुत मानूस हो गए, उसके घर लौट आने का इंतजार करते। जो ही गाड़ी का हॉर्न सुनते दरवाजे पर दौड़े जाते, उसे अंदर आने से पहले ही जा लेते और टांगों से लिपट जाते। करीम कभी खाली हाथ ना आता, जब आता हाथों में शॉपर होते जिनमें खाने पीने की चीजें, फ्रूट और कभी बच्चों के लिए खिलौने होते। हम मना भी करते कि इतनी फजूल खर्ची ना किया करो, तुम्हारे वालिद गाँव में घर बनवा रहे हैं, उनको रकम की जरूरत होती है। वो कहता, उनको भी भेजता हूँ मगर बच्चों की भी खुशी पूरी करनी चाहिए। फहद मुझे कहते, दरअसल ये हमारे घर में रहता है और हम किराए भी नहीं लेते, तो इस तरह हिसाब बराबर कर देता है, तुम इसे एहसान न समझा करो। अब मेरे शौहर का ये जिगरी दोस्त हमारे घर के लिए खुशी का सबब बन गया। फहद से ज्यादा मुझे उसका इंतजार रहने लगा क्योंकि रोज शाम को फ्रूट, दही बड़े, कभी कबाब, टिक्के लाता। हमारे मजे हो गए, मुझे और बच्चों को चटपटी और मजेदार चीजों की आदत पड़ गई, लत लग गई। पहले छुट्टी के दिन सैर को जाते, अब रोजाना शाम को बच्चे करीम के सर हो जाते। सैर कराओ चाचा, सैर कराओ। वो रोज उसकी गाड़ी में चढ़कर बैठते और सैर को 15-20 मिनट के लिए नजदीकी मार्केट वगैरह का चक्कर लगाकर आते। वो चाचा को अपना सब कुछ समझने लगे, बाप की बात तो कभी करते ही नहीं थे। मुझे नहीं मालूम कब मेरा नसीब अंधेरों में भटकने लगा और फहद की सोच के अंदाज बदलने लगे। सैर के लिए करीम बच्चों के साथ मुझे भी चलने पर इसरार करने लगा। मेरा दिल न करता तब भी बच्चों की वजह से मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाती। शुरू में फहद ने नोटिस ना लिया, फिर उसको ये बात महसूस होने लगी कि करीम का बहुत ज्यादा झुकाव उसकी बीवी बच्चों की तरफ हो गया है। मुंह से कुछ न कहता, अंदर ही अंदर जलता कुड़ता रहता। सुलगना शुरू कर दिया था उसने। मुझे तो महसूस भी ना हुआ कि मेरा जीवन साथी किस आग में जल रहा है और वो हमारी हरकतों को नोट कर रहा है। एक रोज फहद सुबह 8 बजे दुकान चला गया। मैं नाश्ता बना रही थी, पहले मैंने उसे नाश्ता दिया, फिर करीम के लिए ट्रे में अंडा पराठा और चाय का कप रखा, मगर वो अपने कमरे से बाहर न आया। बच्चे अभी सो रहे थे, इस ख्याल से कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा ट्रे उठाकर मैं ऊपर चली गई। ट्रे को मेज पर रखकर पलटने ही वाली थी कि मेरा पांव किसी शय से उलझ गया और मैं गिर गई। करीम ने गिरने की आवाज सुनी तो दौड़कर गुसल खाने से बाहर आ गया, मुझे उठाया। वो समझा कि मैं बेहोश हो गई हूँ क्योंकि एक बार पहले भी बाजार में उसकी टैक्सी में बैठते ही बेहोश हो गई। उस वक्त वो नहाने जा रहा था।
उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ तौलिया लिपटा हुआ था। खुदा जाने कि उसी वक्त फहद घर आ गया, शायद वह कुछ भूल गया था और अभी अपनी मतलूबा से उठाने को आया था। मुझे कमरे में न पाकर दबे कदम ऊपर चला आया। जब उसने आंखों से नजारा देख लिया कि करीब मुझे उठाकर बिस्तर पर बिठा रहा है, उसकी आंखों में खून उतर आया। खुदा जाने क्यों कर उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और बगैर कुछ कहे जीना उतर गया। जाते हुए उसने कोई सवाल किया और ना ही हम दोनों से कुछ पूछा, वो सीधा चाचा के पास पहुंचा और जो देखा था उनके गोश गुजार कर दिए। सब कहते हुए वो रो भी रहा था। चाचा हैरान परेशान मुंह खोले हुए सब कुछ सुन रहे थे। उनको मुझसे ऐसी उम्मीद थी ही नहीं। मेरी शादी जब हुई थी वो मुश्किल में 15 बरस की थी, किसी से ताल्लुक भी नहीं था, ना ऐसी नौबत आई कि फहद से शादी हो गई। फिर ऐसा क्यों कर हो गया? चाचा बेचारे तो कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे। वो उसी वक्त मेरे घर आ गए, फहद को भी जबरदस्ती हमला ले आए जबकि वो आने से इनकार कर रहा था। मैं अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी, आते ही चाचा ने सवाल किया, रहमा सच सच बताओ क्या मामला है और मैं क्या सुन रहा हूँ? फहद ऐसा शख्स है कि मैं इसे झुटला नहीं सकता। मैंने कुरान पाक पर हल्फिया कहा, चाचा जान ये सिर्फ गलत फहमी है। मैं ऊपर करीम भाई के कमरे में नाश्ते के ट्रे रखने गई थी, उस वक्त वो गुसल खाने में थे और नहाने का इरादा कर चुके थे। इत्तेफाक से मेरा पाँव पास रखी टेबल से उलझ गया और मैं गिर गई। मेरे गिरने की आवाज सुनकर भाई करीम ने बाहर आकर मुझे उठाया। वो समझे शायद मैं फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी हूँ, क्योंकि एक बार पहले भी इनके सामने बेहोश हुई थी। मुझे कभी कभार चक्कर आते हैं, इसके सिवा और कोई बात नहीं। वो मेरे भाई हैं और मैं उनके लिए बहन की तरह हूँ, ये कहकर मैं जारो कतार रोने लगी। चाचा जान ऊपर गए जहाँ करीम भी अभी तक बुत की तरह बैठा हुआ था। वो घर से गया नहीं, चाहता था कि फहद उससे बात करे फिर वो जाए। वो इस मामले की गलत फहमी को हर सूरत दूर करना चाहता था। उसने भी कुरान पाक पर हल्फिया मेरे और अपने ताल्लुकात में पाकीजगी की गवाही दी और कहा कि गिरने की आवाज सुनकर उसने गुसल खाने में ही जल्दी से अपनी सदर पोशी की यानी तौले लपेटा, फिर मुझको उठाया और बिस्तर पर बिठा दिया। उसने कहा कि राहिमा को मैं बहन समझता हूँ और इसके लिए भाई जैसा हूँ। चाचा को हम दोनों के बयान में कोई फर्क न मिला, चुके हम दोनों ही सच कह रहे थे, तभी हमारी बात में असर था। चाचा ने फहद से कहा, गुस्से में नहीं सुकून में फैसला करते हैं, अभी तुमको गुस्सा है इसलिए मैं राहिमा को घर लिए जाता हूँ। कुछ दिन तुम आराम और सुकून से सोच लो, फिर जो फैसला करो हमको कबूल होगा। इस दौरान तुम 2-3 रोज दुकान से भी छुट्टी कर लो। हाँ एक बात और तुमको कहनी है बेटा, नसीहत करता हूँ, तुम्हारा कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं, मैं ही तुम्हारा बड़ा बुजुर्ग हूँ और तुम मुझे मानते भी हो। अपने घर में किसी गैर को इस तरह नहीं ठहराना चाहिए, ये तुम्हारी गलती है। अब तुम करीम को रुख्सत कर दो इससे पहले कि मामला आगे बढ़े। करीम को हमारे घर आखिरी दिन था, उसने तो अब जाना ही था, वो चला गया। 3 दिन में चाचा के घर रही, रात दिन दुआ करती, ए मेरे रब मुझको किसी ना करदा गुनाह की सजा नहीं देना, उस गुनाह की जो मैंने किया ही नहीं। फहद के दिल से गलत फहमी को दूर कर दे ताकि वो अपने मैले दिल को साफ कर ले और मुझे घर ले जाए। खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली। जब फहद ने ठंडे दिल से सोचा तो उनको अपनी ही गलती नजर आई। उन्होंने चाचा से माफी मांग ली और मुझे घर ले आए। वो दिन और आज का दिन मैं रोज निफल शुक्राना अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे घर को तबाही से बचा लिया। अगर फहद नेक दिल ना होते, मेरी बात और कसम का यकीन ना करते, जैसा कि और लोग माफ नहीं करते, तब मेरा क्या बनता और मेरे बच्चों का क्या होता? आज भी जब इस वाक्य को याद करती हूँ लरस जाती हूँ। वाकई फहद इंसान नहीं फरिश्ता है, वरना मेरी एक मामूली सी खता जुर्म भी बन सकती थी।